तो 2D रिलेटिव मोशन में अपन रेन प्रॉब्लम सीख रहे थे, तो मैंने उस पर बेसिक थ्योरी बताई थी। अब उस पर बेस्ड हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन आगे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो सिखाया था उसी के बेस पे है, मतलब लॉजिक लगाना है अपने को। क्वेश्चन दिया है कि इट इज रेनिंग वर्टिकली, इट इज रेनिंग वर्टिकली विथ 8 मीटर पर सेकेंड। इट इज रेनिंग वर्टिकली विथ 8 मीटर पर सेकेंड। ए पर्सन रनिंग इन द रेन हैज टू होल्ड अम्ब्रेला एट 37 डिग्री टू प्रोटेक्ट हिम। 37 डिग्री विथ वर्टिकल, ए पर्सन रनिंग इन द रेन हैज टू होल्ड अम्ब्रेला एट 37 डिग्री विथ वर्टिकल टू प्रोटेक्ट हिम। फाइंड, दो क्वेश्चन पूछे हैं, वेलोसिटी ऑफ द रनिंग पर्सन। पहला क्या है, वेलोसिटी ऑफ रनिंग पर्सन, और दूसरा है स्पीड विथ विच रेन इज हिटिंग पर्सन। रेन इज हिटिंग द पर्सन, कि आदमी को रेन कितने स्पीड से आते दिखेगी, दूसरा क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन आदमी कितनी स्पीड से दौड़ रहा है। वेलोसिटी आपसे स्पीड पूछी है एक्चुअली में, तो मैग्नीट्यूड बताना। जल्दी सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। दो क्वेश्चन है कि एक आदमी जो है दिया हुआ है कि उसको रेन एक्चुअली वर्टिकली 8 से आ रही है, और एक आदमी अपने आप को बचाने के लिए भागता हुआ आदमी छाते को 37 डिग्री पर रखता है। तो आपको बताना है कि आदमी कितनी स्पीड से भाग रहा है और रेन उस आदमी को कितने स्पीड से, मतलब छाते को रेन कितने स्पीड से हिट कर रही होगी, मतलब रेन की स्पीड क्या है विद रिलेटेड टू मैन। जल्दी बाकी लोग क्या कर रहे हो, देखो चलो डायग्राम बनाओ ना। रेन आ रही है वर्टिकली 8 मीटर पर सेकेंड से। रेन कैसे आ रही है, वर्टिकली आ रही है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। आदमी मान लो इस तरह भाग रहा होगा, एक ही लाइन बनाओ काफी है ना, रेन को आपको वेक्टर से दिखाना है तो आप एक ही लाइन बनाओ काफी होगा। आदमी जो है वो जमीन पे मान लो इस तरफ भाग रहा होगा, किसी स्पीड मान लो v से, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो ये वेलोसिटी इस आदमी को रेन में ऑपोजिट में दिखेगी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। तो जो नेट दिखेगा वो ये दिखेगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। और छाता इसी एंगल पे रखते हैं, आदमी छाता ऐसे रखेगा, ये एंगल आपको 37 डिग्री दे रखा है ना। ये क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ मैन, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। मैन की वेलोसिटी मैंने उसमें ऑपोजिट में ऐड करी है ना। अब आपको क्या क्या वैल्यूज दे रखी है, तो आपसे कहा है कि रेन वर्टिकली आ रही है 8 मीटर है ना, और आपसे एक तो ये VM पूछा है, बेटा वो लेंथ VM है तो ये लेंथ भी क्या VM ही होगी है ना। तो आप इस ट्रायंगल में tan theta लिख दो, जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये लेंथ कितनी है। आप ना चाहो तो, आपको ऐसे ना दिखता हो ना, तो इसको यहाँ VM लिखो और इसको यहाँ लिखो VRM, ये तीसरा वेक्टर। अब आप इस ट्रायंगल में लिख लो
एक तो आप टेन थीटा लिखो, तो टेन थर्टी सेवन इज इक्वल टू वी एम अपॉन वी आर, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ क्योंकि वैल्यू से ही मतलब है. सो इट इज थ्री बाय फोर इज इक्वल टू वी एम पूछा है अपॉन वी आर इज एट, सो वी एम इज इक्वल टू सिक्स. तो आदमी छह से भाग रहा होगा. और दूसरा आपसे इस वी आर एम की वैल्यू पूछी है, तो या तो स्ट्रेंगल से निकाल लो या पाइथागोरस थ्योरम से, जैसे निकालना वैसे निकाल लो. मैं तो कहता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं. तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर. तो सिक्स और एट है तो कितना आ गया, टेन मीटर पर सेकेंड. तो आदमी छह से जा रहा होगा और रेन उसको टेन से हिट कर रही होगी. खत्म. कोई डाउट है तो भाई अनम्यूट करके पूछो जल्दी, वरना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा. ठीक, आई होप सबने लिख लिया होगा. तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अगला क्वेश्चन है अपना A cyclist moving with a speed of 10 meter per second observes that rain is falling vertically. A cyclist moving with a speed of 10 meter per second observes that rain is falling vertically with a speed of 5 meter per second. A cyclist moving with a speed of 10 meter per second observes that rain is falling vertically with a speed of 5 meter per second. तो आपसे पूछा है find actual speed and angle of rain with vertical. Find actual speed and angle of rain with vertical. पहले सोचिए सवाल क्या है, मैं डिस्कस करूंगा. सोचिए एक बार, पढ़िए, दिमाग लगाइए सवाल क्या है. कि एक साइक्लिस्ट है जो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, उसको ऐसा दिखता है कि रेन 5 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली आ रही है. इसका मतलब रेन एक्चुअली में वर्टिकली नहीं आ रही होगी, रेन एक्चुअली में वर्टिकली नहीं आ रही होगी. आदमी को दिख रहा है कि रेन वर्टिकली आ रही है, तो रेन एक्चुअल में किसी एंगल पे होगी और आदमी की मोशन की वजह से उसको वर्टिकली दिख रही है. तो हमसे यही पूछा है कि रेन एक्चुअली किस स्पीड से आ रही है, और हमसे ये भी पूछा है कि फाइंड एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन और एक्चुअल एंगल ऑफ रेन. तो आप अगर ध्यान से सोचिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो बिल्कुल, वेक्टर ड्रॉ करके देखो. तो मान लेते हैं रेन कुछ ऐसे आ रही होगी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन एक्चुअल वाली, है ना. हम क्या जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. और मुझे नेट वेलोसिटी कैसी चाहिए, नेट वेलोसिटी मुझे नेट वेलोसिटी कुछ इस तरफ चाहिए, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, है ना. दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैं. तो जरा सोच के देखिए, अगर मैं चाहता हूं कि वी आर इस ट्रायंगल में, जरा सोच के देखो, अगर मैं लिखूं कि वी आर एम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन, ऐसा होना चाहिए. या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कि आदमी अपनी वेलोसिटी ऑपोजिट में देखेगा, तो इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन. तो
मान लो ये वेक्टर कैसे मिलेगा, तो इसमें से मुझे ये वेक्टर ऐड करना पड़ेगा, ये वेक्टर, दिस इज माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। मतलब आदमी एक्चुअली में इस तरफ जा रहा होगा वीएम से, तो उसको अपनी वेलोसिटी रेन में कहीं पीछे दिखेगी। ये रेन की एक्चुअल वेलोसिटी, आदमी की वेलोसिटी उसमें पीछे ऐड हुई, और ये रही नेट वेलोसिटी, है ना। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट का माइनस। एक तरीका ये हुआ देखने का। अभी एक तरीका और बहुत सुंदर बताऊंगा, सुनना ध्यान से। तुमको तो मान लो ये मेथड कम जमा, इससे भी सॉल्व करके सेम आंसर लाएंगे, तुम्हें तो नहीं पता चला। चलो एक काम करते हैं, मान लेते हैं बारिश ऐसे हो रही थी, तुम तो भूल जाओ ये वेक्टर वेक्टर वाला। सुनना ध्यान से बिल्कुल। ये मान लेते हैं थीटा एंगल पे बारिश हो रही थी एक्चुअली। तुम तो कंपोनेंट कर लो भैया, बारिश का ये कंपोनेंट कितना, वी आर साइन थीटा। बारिश का ये कंपोनेंट कितना, वी आर साइन थीटा। और बारिश का ये कंपोनेंट कितना, वी आर कॉस थीटा। अब एक चीज सोच के देखो, दो चीजें अगर सेम वेलोसिटी से चल रही होती हैं, क्या बोल रहा है ध्यान से सुनो, दो चीजें अगर सेम वेलोसिटी से चल रही होती हैं तो वो एक दूसरे को रेस्ट पे देखती हैं। सेम वेलोसिटी मतलब सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन। अगर मैं कहूं कि एक आदमी इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड और दूसरा आदमी भी इधर ही जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड, ये ए और बी है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू 0। ये बात समझ में आती है क्या, कि दो चीजें अगर सेम वेलोसिटी से चल रही होती हैं तो वो एक दूसरे को रेस्ट पे दिखती हैं। बोलो भाई, पक्का ना, पक्का ना? अरे बोलो। हाँ, अब बस रुक जाना, रुक जाना। आदमी को, सुनना ध्यान से, आदमी को रेन की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं दिख रहा, क्योंकि कहा गया है कि आदमी देखता है कि रेन कैसी है, वर्टिकल। रेन कैसी है, वर्टिकल, मतलब आदमी को रेन की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं दिख रहा। इसका क्या मतलब है कि आदमी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल होगी, दिस वी एम इक्वल टू वी आर साइन थीटा। सोच के देखिए, मैं कह रहा हूं आदमी को रेन की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं दिख रहा, इसका मतलब रेन की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और आदमी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होगी। सेम मतलब मैग्नीट्यूड में भी सेम और डायरेक्शन में भी सेम। तो आदमी भी इस तरफ अगर वी आर साइन थीटा से जा रहा होगा तो उसको ये वी आर साइन थीटा नहीं दिखेगा, उसको सिर्फ क्या दिखेगा, वी आर कॉस थीटा, यही दे रखा है। और आदमी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी रेन की वर्टिकल वेलोसिटी को तो चेंज ही नहीं कर सकती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलग अलग होते हैं। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि सुनो ध्यान से, एक भागते हुए आदमी को रेन वर्टिकल दिख रही है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आदमी की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल प्लेन में इज इक्वल टू रेन की वर्टिकल वेलोसिटी, सॉरी, रेन की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, दोनों इक्वल होगा तो आदमी को वो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट 0 दिखेगा। बोलो बात समझ में आई क्या। अगर दो चीजें सेम वेलोसिटी से जाती हैं तो उनको रिलेटिव वेलोसिटी 0 दिखती है, तो अगर आदमी हॉरिजॉन्टल में रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ही जा रहा होगा तो उसको रेन वर्टिकल दिखेगी। अरे बोलो, आ गया समझ में? तो इसलिए मैंने लिख दिया कि वी एम इक्वल टू वी आर साइन थीटा, दोनों की हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट सेम, बचा क्या, वर्टिकल कॉम्पोनेंट। बस कहानी खत्म, कहानी खत्म, कि अपने पास आ गया वी एम इक्वल टू वी आर साइन थीटा। तो बस अपने को क्या दिया था, वी एम पता है, क्या पता है अपने को, वी एम साइकिलिस्ट की स्पीड, और ये क्या है, रेन इतने से आती दिख रही है। तो देखो अपने को इस डायग्राम में क्या क्या दिया है, अपने को यहाँ पे दिया है एक तो वी एम, वी एम इज इक्वल टू क्या दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड, ये दिया है क्वेश्चन में।
और अपने को एक दिया है, रेन इतने से आती दिख रही है. दिस इज रेन विल ऑब्जर्व, रेन विल बी ऑब्जर्व विथ दिस वेलोसिटी, कि रेन इस वेलोसिटी से ऑब्जर्व होगा. तो ये फाइव की वैल्यू है, फाइव इज इक्वल टू वी आर कॉस थीटा. तो वी आर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, फाइव. तो यहां से वी आर की वैल्यू क्या आ गई, वी आर इज इक्वल टू फाइव अपॉन कॉस थीटा. यहां रख दो, टेन इज इक्वल टू फाइव अपॉन कॉस थीटा इज इंटू साइन थीटा. यहां से आ गया बेटा टेन थीटा इज इक्वल टू टू. तो रेन टू से आती हुई दिखेगी. और आपको एक बार ये पता चल गया कि रेन टेन थीटा इक्वल टू टू पे एक्चुअली आ रही थी. और आपको एक बार ये एंगल पता चल गया और आपको ये साइड पता है 5 मीटर पर सेकेंड. और आपको ये साइड भी पता है 10 मीटर पर सेकेंड. तो आप ये साइड निकाल सकते हो, कितना आएगा, 100 प्लस 25, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आ गया, √125, मतलब 5 √5 मीटर. तो रेन एक्चुअली 5 √5 से आ रही है और टेन थीटा इक्वल टू टू पे. ये हुआ एक मेथड. देखो ये मेथड भी तो वही है कि आदमी इधर वीएम से जा रहा है तो उसको रेन में इधर वीएम दिखा. आपको ये वीआरएम दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज 5, और आपको इसका मैग्नीट्यूड भी दे रखा है 10. तो ये निकाल लो ना, अंडर रूट 10² + 5² √125, 5 √5, और ये एंगल थीटा. तो 10 थीटा इज इक्वल टू टू. एक ही बात, इस चीज को मैंने ऐसा लिख दिया कि नेट रेन वर्टिकल दिख रही है ऐसा, ये वेलोसिटी ऑफ रेन, तो आदमी की वेलोसिटी इसमें ऑपोजिट में ऐड हुई होगी, उसको मैंने ऐड कर दिया. तो ये माइनस वीएम है, तो वीएम इस तरफ होगा. आदमी अगर लेफ्ट में जाएगा तो रेन में वेलोसिटी राइट में ऐड होगी, आदमी राइट में जाएगा तो वेलोसिटी लेफ्ट में. ऐसे करो, एक ही बात. तो रेन अगर वर्टिकली दिख रही है तो सिंपल सी कहानी है, आदमी की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और रेन की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों इक्वल हो गए होंगे. दैट्स इट. बात समझ आई क्या, जल्दी से नोट कीजिए और कोई डाउट हो तो चैट पे लिख के या अनम्यूट करके पूछिए. बिल्कुल बिल्कुल. क्वेश्चन क्या है कि रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल 30 डिग्री विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड. तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट इफ यू ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली. बिल्कुल, वर्टिकली रेन उसको फॉल होती दिख रही है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं दिख रहा है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. बिल्कुल सही. गुड. गुड गुड. सबके सही हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. गुड. सही है, सही है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. रेन उसको वर्टिकली आती दिख रही है, इसका मतलब रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं दिख रहा होगा. रेन एक्चुअली कैसे आ रही है, इधर की तरफ. कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से. कितने एंगल पे, 30 डिग्री. बिल्कुल बेसिक से सॉल्व कर लो. तो रेन की स्पीड का ये कंपोनेंट होगा वी कॉस थीटा, मतलब 20 √3/2, मतलब 10 √3 से वर्टिकली आ रही है और रेन आगे जा रही है 10 से. तो सोचो रेन आदमी को हॉरिजॉन्टली कब, वर्टिकली कब दिखेगी, जब आदमी की हॉरिजॉन्टल स्पीड रेन की स्पीड के इक्वल होगी. अगर आदमी भी इस तरफ जाने लगे 10 मीटर पर सेकेंड से तो उसको रेन का ये कॉम्पोनेंट नहीं दिखेगा. सो आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड. और आदमी को रेन की स्पीड दिखेगी क्या, तो ये वाली. आदमी को रेन की कौन सी स्पीड दिखेगी, वर्टिकल, जो कितनी है 10 √3. तो आदमी ऑब्जर्व करेगा कि रेन उसको वर्टिकली हिट कर रही है 10 √3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, है ना. बात समझ आ गई सबको.
ठीक है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन इसी में ऐड कर दिया है, इफ द पर्सन, पर्सन के साइक्लिस्ट था ना, इफ द साइक्लिस्ट फर्दर इंक्रीजेज हिज स्पीड, स्पीड और बढ़ा देता है, देन फाइंड द स्पीड एट विच रेन विल हिट हिम, रेन विल अगेन हिट हिम एट 30 डिग्री। अगर वो अपनी स्पीड को और बढ़ाता है, इसी तरफ जाता है, वो अपनी स्पीड को और बढ़ा दे, तो बताओ कितनी स्पीड से जाएगा कि रेन उसको वापस 30 डिग्री पर दिखे, है ना। अगर वो 10 से जा रहा है तो अपनी स्पीड को और कितना बढ़ा दे कि रेन उसको 30 डिग्री पे जाता हुआ दिखे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सोच के देखिए अब क्या हो रहा होगा ना। रेन ऐसे आ रही थी तो मैं रेन की वेलोसिटी को कंपोनेंट के फॉर्म में लिख रहा हूँ। रेन की वेलोसिटी का इधर की तरफ कंपोनेंट है 10√3 मीटर पर सेकेंड और आगे की तरफ कंपोनेंट है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। देखना ध्यान से, आदमी इस तरफ भाग रहा है किसी वी स्पीड से, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। तो आदमी को रेन में अपनी वेलोसिटी अपोजिट में दिखती है, आदमी को रेन में अपनी वेलोसिटी अपोजिट में दिखती है। अभी अपन ने जस्ट क्या देखा, अगर ये वी 10 के इक्वल ही हो जाएगा तो ये वी और वी कैंसिल हो गए, आदमी को रेन वर्टिकल दिखेगी, है ना। अगर इस वी की वैल्यू 10 से कम होगी तो आदमी को रेन नेट इस तरफ ही दिखेगी। अगर भाई ये वी कम हुआ और 10 ज्यादा हुआ, मतलब आदमी 10 से कम से भाग रहा हो, तो आदमी को रेन इस तरफ ही दिखेगी। मानते हो ये बात, अगर आदमी 10 से कम स्पीड से भाग रहा होगा तो आदमी को रेन इस तरफ दिखेगी। ये बात समझ में आती है क्या, बोलो भाई। आदमी अगर 10 से भाग रहा होगा तो रेन वर्टिकल दिखेगी, 10 से कम से भागेगा तो ये रेन कुछ इस तरफ दिखेगी। ये मतलब 10 माइनस वी, मान लो 5 से भाग रहा हो तो ये 5 बचेगा, ये 10√3 बचेगा, ठीक है। और ये वी अगर 10 से ज्यादा होगा, इस वी की वैल्यू अगर 10 से ज्यादा हो गई, मान लो ये वी 10 से ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, रेन की नेट वेलोसिटी पीछे बचेगी। तो एक केस वो आएगा जब आदमी की स्पीड 10 से ज्यादा हो जाएगी, उसने कहा ना स्पीड बढ़ाते हैं, तो आदमी की स्पीड को अगर बढ़ा दिया जाए तो एक सिचुएशन ऐसी बनेगी जब आदमी की स्पीड भी इधर की तरफ, जो नेट रिजल्टेंट आएगा, है ना, ये वी 10 से इधर भाग रहा था ना, तो नेट रिजल्टेंट क्या बनेगा, इधर की तरफ आएगा वी माइनस 10 जो दिखेगा, और इधर की तरफ ये तो 10√3 का 10√3 दिखेगा, है ना। वी से आदमी को अपनी वेलोसिटी दिखी और 10 से रैन, तो नेट दिखा वी माइनस 10 और वापस 30 डिग्री को दिखा, दिस एंगल इज अगेन 30 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे, वापस लिख दो 10√30 डिग्री इज इक्वल टू वी माइनस 10 अपॉन 10√3। 10√10 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू वी माइनस 10 अपॉन 10√3। √3 से √3 कैंसिल, यहां से वी की वैल्यू आ गई 20 मीटर। तो आदमी अगर अपनी स्पीड दुगनी कर दे, देखो एक्चुअली लॉजिकली सोच के देखो ना, तो अगर वो 10 से भाग रहा है तो 10 ने 10 को कैंसिल कर दिया, और अगर 20 से भागेगा तो इधर की तरफ 10 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, एक्चुअली इधर की तरफ 10 हो जाएगा, इधर की तरफ 10√3 हो जाएगा, तो नेट इधर आता दिखेगा 30 डिग्री, है ना। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ कितने से वापस भागे कि उसको रेन वापस इतने एंगल पे आता दिखे, या कोई दूसरा एंगल भी आपको दे सकते थे। तो मान लो जो एंगल देते कि रेन इतने एंगल पे आती हुई दिखी, तो ऑब्वियस ही बात है अपने को एंगल इंक्रीज करना है, है ना, स्पीड और इंक्रीज करनी है। तो अपने ने इसको v माइनस 10 ले लिया, v माइनस 10 क्यों लिया, आदमी की वेलोसिटी का उल्टा इस तरफ और रेन का 10 इस तरफ, ये v माइनस 10 ले लिया और ये 10√3, नेट एंगल ये कुछ थीटा, तो 10 थीटा इज इक्वल टू v माइनस 10 अपॉन 10√3। ठीक, जल्दी लिखिए, ये अपने रेन मैन प्रॉब्लम खत्म हुआ।
मैं ही करके बताऊंगा, जल्दी लिखो ये। एक क्वेश्चन तुम्हें और करवाता हूँ। उसको वेक्टर फॉर्म से करना ही बेस्ट होता है। जल्दी लिखिए, 30 सेकेंड दे रहा हूं और। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको एक्सिस सिस्टम डिफाइन करके दिया है, क्या आपको मानना है कि इधर की तरफ एक्स एक्सिस है, इधर की तरफ वाई एक्सिस है? ठीक है, मतलब ये वर्टिकल है, वाई एक्सिस इज वर्टिकली अपवर्ड्स। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। रेन 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रही है, मतलब रेन की वेलोसिटी को लिखेंगे -10 J क्या, है ना? आपके पास ना दो एक इंक्लाइन प्लेन है, एक ऐसा कोई हिल मान लो, ऐसी है वो हिल। एक आदमी क्या करता है ना, ये एंगल 37 डिग्री है, एक आदमी एक बार इसी हिल पे ऊपर जाता है 10 मीटर पर सेकेंड से, और एक आदमी एक बार इस हिल पे नीचे आता है 10 मीटर पर सेकेंड से, सेम हिल पे। एक आदमी ऊपर जा रहा होता है 10 मीटर पर सेकेंड से, फिर वो ऊपर जाके नीचे आता है। तो अपने को वेक्टर फॉर्म में ही आंसर लिखना है कि पहला द क्वेश्चन है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ड्यूरिंग अपहिल जर्नी, जब जर्नी में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और सेकेंड ड्यूरिंग डाउनहिल जर्नी के लिए। तो बड़ा सिंपल है, मतलब अपने को वेक्टर फॉर्म में लिखना है कि रेन तो भैया नीचे आ रही है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन को अगर इस वेक्टर सिस्टम में लिखूं तो मैं लिखूंगा -10 J कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। फर्स्ट केस में मैं अगर मैन की वेलोसिटी लिखूं तो आदमी की वेलोसिटी इधर की तरफ है, मतलब इसके कंपोनेंट आएंगे, आदमी अगर इस तरफ जा रहा है 10 से तो ये और ये है ना? ये एंगल कितना है बेटा, 37 डिग्री। तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट आएगा 10 cos 37, सो 10 × cos 37 इज 4/5, कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है और 6 मीटर पर सेकेंड से ऊपर, ये जाते टाइम और वापस आते टाइम फिर से। आगे वाली इस तरफ वाली स्पीड कितनी, 8 मीटर पर सेकेंड, और नीचे वाली स्पीड कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब पहले केस में जो आदमी का वेलोसिटी वेक्टर है v1, इसको मैं लिखूंगा 8i कैप + 6j कैप। क्या लिखूंगा, 8i कैप + 6j कैप, आगे 8 और ऊपर 6। और इसमें जो आदमी का वेलोसिटी वेक्टर लिखूंगा, ये क्या लिखूंगा, -8i कैप -6j कैप।
मतलब एट उल्टे में और छह से नीचे। तो अगर मैं फर्स्ट में रिलेटिव का आंसर लिखूं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन फर्स्ट केस में, तो क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, दोनों जगह आंसर में तो यही रखना है ना, तो वेक्टर एक एक करके रख देते हैं। तो फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन मतलब माइनस टेन जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, पहले केस में क्या है, एट आई कैप प्लस सिक्स जे कैप, एट आई कैप प्लस सिक्स जे कैप, उसको सॉल्व करेंगे तो क्या दिखेगा, माइनस एट आई कैप माइनस सिक्सटीन जे कैप, ये हुआ फर्स्ट केस में आंसर। और दूसरे केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू माइनस टेन जे कैप माइनस, दूसरे केस में वेलोसिटी क्या है, माइनस एट आई कैप माइनस सिक्स जे कैप, माइनस एट आई कैप माइनस सिक्स जे कैप, ये कितना आ जाएगा, एट आई कैप रेन की वेलोसिटी आदमी के रिस्पेक्ट में और माइनस फोर जे कैप, दोनों केसेस में आंसर है। यहाँ रेन की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन दोनों चेंज होगी क्योंकि आदमी की भी वर्टिकल मोशन है, तो वो रेन की वर्टिकल मोशन को भी इफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखिए आप, कि जाते टाइम अगर वेलोसिटी थी एट आई कैप प्लस सिक्स जे कैप, तो आते टाइम है माइनस एट आई कैप माइनस सिक्स जे कैप। उसका रीजन है कि ये वैक्टर जो जाते टाइम था और ये वैक्टर जो आते टाइम, ये एंटी पैरल है, तो वी टू इज माइनस वी वन, वी टू इज माइनस वी वन। ठीक, लास्ट क्वेश्चन था रेनमैन का, इसको फटाफट लिख लीजिए फिर आगे चलिए। ठीक है, आई होप सब लोग लिख चुके होंगे। एक टाइप का सवाल आता है, ये रेनमैन प्रॉब्लम हो गई है ना, एक टाइप का सवाल आता है इन जनरल, वो कॉमन सेंस का सवाल होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लैग से रिलेटेड। रिलेटिव मोशन में क्या करते हैं ना, एक सवाल डाल देते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लैग से रिलेटेड, कि फ्लैग किस तरफ पॉइंट करेगा, है ना, फ्लैग किस तरफ पॉइंट करेगा या फ्लैग किस तरफ लहराएगा, है ना। मैं आपको पहले क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसका मुझे आंसर सोच के बताना, फिर मैं बताऊंगा सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। सब लोग खुद से अपना दिमाग लगा के सोचना। क्वेश्चन दिया है आपको, ये कार is moving in east with 10 meter per second and wind is blowing 10 meter per second, विंड की स्पीड भी सेम दे दी, फाइंड डायरेक्शन इन विच ए फ्लैग माउंटेड, फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए फ्लैग माउंटेड ऑन द car will point, find direction in which a flag mounted on the car will point। और मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं, मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं उसके, आप सॉल्व कीजिए, नॉर्थ ईस्ट, कार जा रही है ईस्ट में ना, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये चार एग्जांपल, चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, अपना लॉजिक लगा के आप जैसे सोच सकते हो कि फ्लैग किस तरफ पॉइंट करना चाहिए। आपने जीवन में फ्लैग पॉइंट करते देखा होगा, आपने व्हीकल के ऊपर फ्लैग देखा होगा कि वो किस तरफ पॉइंट करता है, तो अपना लॉजिक लगाइए और सोचिए कि फ्लैग किस तरफ पॉइंट करे। मैंने दोनों के स्पीड इक्वल दिया, विंड की और कार की, लॉजिकली अगर सोचें कि झंडा किस तरफ लहराता है, तो मान लो हवा नहीं चल रही
है ना। आप खुद अपने आप को फील करके देखो कि मान लो हवा नहीं चल रही है और आपके हाथ में एक फ्लैग है और आप फ्लैग को लेके ईस्ट की तरफ भाग रहे हो। सोचो हवा नहीं चल रही है, आपके हाथ में एक फ्लैग है और आप फ्लैग को लेके ईस्ट की तरफ भाग रहे हो, तो फ्लैग किस तरफ पॉइंट करेगा बताओ? हवा नहीं चल रही है, आपके हाथ में फ्लैग है और आप फ्लैग को लेके ईस्ट में जा रहे हैं, तो फ्लैग कहाँ जाएगा? वेस्ट में। बिल्कुल सही, सबने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भैया, आप रुके हुए हो और हवा नॉर्थ में चल रही है। आप रुके हुए हो और हवा नॉर्थ में चल रही है, तो जरा बताओ आपके हाथ में जो फ्लैग है वो किस तरफ पॉइंट करेगा? नॉर्थ। बिल्कुल ना, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल सब लोग सही कह रहे हैं, तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, तो सबको पता होता है। तो मैं एक लाइन लिखता हूं कि फ्लैग विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म या सपोर्ट। फ्लैग विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म या सपोर्ट ऑन विच इट इज माउंटेड। मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे फ्लैग माउंटेड है उस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में जो विंड की डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लेटफॉर्म जिस पे फ्लैग लगा हुआ है, उस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में विंड जिस तरफ है फ्लैग उसी तरफ पॉइंट करता है। सोच के देखो आप अपने दोनों आंसर्स को। जब मैंने कहा कि आप हवा रुकी हुई है और आप जा रहे हो ईस्ट की तरफ, है ना, तो सोचो आपके रिस्पेक्ट में हवा रुकी हुई थी, आप जा रहे हो ईस्ट में, तो आपके रिस्पेक्ट में हवा कहाँ जा रही है? वेस्ट में। तो फ्लैग कहाँ गया? वेस्ट में। आप रुके हुए हो, हवा चल रही है नॉर्थ में, तो आपके रिस्पेक्ट में हवा कहाँ चली? नॉर्थ में। तो फ्लैग किधर पॉइंट करता है? तो जिस चीज पे फ्लैग माउंटेड है उसके रिस्पेक्ट में जो डायरेक्शन आती है विंड की, रिलेटिव वेलोसिटी, उसी की तरफ फ्लैग पॉइंट करता है। क्या बोला मैंने? फ्लैग विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म ऑन विच इट इज माउंटेड। यहाँ प्लेटफॉर्म क्या है? कार है। तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। वेलोसिटी ऑफ विंड किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ, मतलब 10J क्या? माइनस वेलोसिटी ऑफ कार किस तरफ है? ईस्ट की तरफ, -10I क्या? तो नेट जो वेलोसिटी आ गई विंड की कार के रिस्पेक्ट में, क्या निकाला मैंने? विंड की वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कार ही वो प्लेटफॉर्म है जिस पे फ्लैग माउंटेड है। तो क्या आया? 10J कैप -10I कैप। क्या आया? 10J कैप -10I कैप। ये वेक्टर कहाँ होता है भैया? 10J कैप मतलब ये ऊपर और -10I कैप मतलब इधर, दोनों इक्वल, मतलब ये डायरेक्शन बीच में आएगी। सो दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट, दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट, आंसर आया बी। ये बात याद रखना फ्लैग किस तरफ पॉइंट करता है, जहां फ्लैग लगा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में जहां विंड फ्लो कर रही है उसके। सो वी विल ऑलवेज फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू वो सपोर्ट जहां फ्लैग माउंटेड है। तो यहाँ विंड की वेलोसिटी है 10 नॉर्थ की तरफ, कार की वेलोसिटी है 10 ईस्ट की तरफ, तो आंसर आ जाएगा 10J कैप -10I कैप। ये रहा वो वेक्टर 10J कैप -10I कैप, जो डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होती है, क्योंकि दोनों इक्वल है। कल को इक्वल नहीं होते तो नहीं बता सकते थे, ठीक। तो ये फ्लैग वाले क्वेश्चन अगर कभी कहीं भी दिखेंगे, ये फ्लैग कहीं भी रिलेटिव मोशन क्वेश्चन के बीच में फ्लैग का क्वेश्चन डाल सकते हैं, फ्लैग किस तरफ पॉइंट करेगा। फ्लैग की डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही डिसाइड करेंगे कि जिस प्लेटफॉर्म पे फ्लैग रखा होगा उस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में जो विंड की वेलोसिटी होगी वही होगी फ्लैग की डायरेक्शन। जल्दी लिखिए, 30 सेकेंड दे रहा हूं।
ठीक है, छोटा सा ही चैप्टर। अगला है अपना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये 1D में बता चुका हूं ऑलरेडी, या अप्रोच 1D में बता चुका हूं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी का अप्रोच। ये 2D में सोचना, अगर पार्टिकल एक लाइन पे मूव नहीं कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो 2D में इसका मतलब होता है, 1D में भी यही मतलब था, इट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, इट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अदर, एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसका कॉम्पोनेंट। इस चीज को ब्रैकेट में, अलोंग लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स, अलोंग लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स, कि दो पार्टिकल की जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है उनको जॉइन करने वाली लाइन के अलोंग, दैट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी का वो कंपोनेंट कहलाता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अगर डिस्टेंस उनका सेपरेशन बढ़ रहा है तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अगर वो सेपरेशन कम हो रहा है देन दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जैसे मान लो ये दो पार्टिकल्स हैं, ये इधर जा रहा है कुछ v1 से और ये इधर जा रहा है कुछ v2 से, ऑब्वियस सी बात है ये इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ये एंगल मान लो थीटा 1 है, ये एंगल मान लो थीटा 2, ठीक। तो इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालिए, ये वेलोसिटी का इस लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट क्या आएगा, v1 cos थीटा 1, और इस लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा, v1 sin थीटा 1, इस वेलोसिटी का इस लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट v2 cos थीटा 2, और इसके लॉन्ग कंपोनेंट v2 sin थीटा। ये वेलोसिटी के कंपोनेंट हो गए लाइन के अलोंग और लाइन के परपेंडिकुलर। आप ध्यान से देखिए, लाइन के अलोंग ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो मैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को क्या लिखूंगा, इसके अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी होती है ना, रिलेटिव वेलोसिटी इसमें क्या होती है, v1 cos थीटा 1, आमने सामने से दोनों आ रहे होते हैं ना, तो v2 cos थीटा 2। द आंसर इज v1 cos थीटा 1 प्लस यहां पे v2 cos थीटा 2, यही हो सकता है, दूर जा रहे होते हैं तो दूर वाला लिखते। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल कि मान लो एक पार्टिकल फिक्स है, है ना, और दूसरा पार्टिकल अभी इस तरफ जा रहा है किसी वी वेलोसिटी से, ये पार्टिकल 2 है, ये भी जा रहा है वी वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल में इस लाइन के साथ, तो मैं आपसे पूछूं फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्या पूछूं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो इनके सेपरेशन की वेलोसिटी क्या होगी, तो एक तो रुका हुआ है तो इसके रिस्पेक्ट में ही देख लो कि वेलोसिटी का ये कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा, दिस इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग, और ये क्या होगा, v sin थीटा, दिस इज द परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये रुका हुआ है इसके लॉन्ग और वो जा रहा है v cos थीटा से, तो आंसर क्या गया, v cos थीटा, मतलब इनके बीच की सेपरेशन v cos थीटा से इंक्रीज हो रही है। यहां ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी, इसका मतलब ये v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2 से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, दिस इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये क्या होती है, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट। जल्दी से लिखिए, कोई डाउट हो तो चैट पे लिख के अनम्यूट करके पूछिए, इस चीज को यूज करेंगे आगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन का एक कंसेप्ट बताता हूं, सुनना बहुत ध्यान से। कंडीशन ऑफ
collision for two particles moving in a plane. Condition of collision for two particles moving in a plane. वो plane कोई सा भी हो सकता है, horizontal भी हो सकता है, vertical भी हो सकता है. दो particle की टक्कर कब होगी? अगर दो particle move कर रहे हैं एक plane में, तो उनकी टक्कर होगी या नहीं होगी, ये कैसे decide करें? जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि एक particle ये है और एक particle ये है, ये इस plane में move कर रहे हैं, है ना, ये इधर v1 से जा रहा है और ये इधर कहीं v2 से जा रहा है. ये पार्टिकल वन है, ये पार्टिकल टू है, इसका एंगल थीटा वन है, इसका एंगल थीटा टू है. टक्कर होगी या नहीं होगी कैसे डिसाइड करेंगे? सोचो, टक्कर होगी या नहीं होगी कैसे डिसाइड करेंगे? अच्छा, मैं साइड में लिख के एक चीज बताता हूं. मान लो एक बॉडी यहां पे रुकी हुई है और दूसरी बॉडी इस तरफ जा रही है. यहां से स्टार्ट होती है, ये इनको मिलाने वाली लाइन है और वो इस तरफ जाती है. क्या इस, और ये रुकी हुई है ना, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये रेस्ट पे है और दूसरी बॉडी इस तरफ जाती है किसी एंगल पे, तो क्या ये कभी इनकी टक्कर होगी? हाँ या ना? नहीं होगी. बिल्कुल सही कहते हो, रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन है, नहीं होगी. कैसे हो जाएगी टक्कर? तो टक्कर होने के लिए क्या होना चाहिए? वो उसी लाइन पे जाना चाहिए, मानते हो ना? अरे बोलो भाई, ये हाँ कि ना? ये दोनों कब टकराएंगे? जब आप कहोगे सर ये क्या पूछ रहे हो, मतलब ये मतलब पता है ना, ये क्या पूछ रहे हो, तो आप कहोगे सर ऑब्वियस सी बात है, ये तभी टकराएंगे जब भी इसके अलोंग जाएगा, ये यहाँ जाएगा और इसको टक्कर मार दे. बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, है ना, और यही करना है यहाँ पे कि बी इससे तभी टकराएगा जब ए के रिस्पेक्ट में, ए तो रुका हुआ है अभी, जब बी ऐसा आएगा और इसको टक्कर मार दे, है ना? मतलब जब कोई एक चीज चलती हुई एक रुकी हुई चीज की तरफ आ रही होती है उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग, तो टक्कर हो जाती है ना? तो बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना? तो इसको रिलेटिव मोशन से अगर मैं सोचूं, तो अगर मैं इसको ऑब्जर्वर मान लूं, वन को, यहाँ पे वन, वन को क्या मान लूं, ऑब्जर्वर, मतलब वन के रिस्पेक्ट में सॉल्व करूं, तो टू की जो रिलेटिव मोशन होनी चाहिए वन के रिस्पेक्ट में, अगर वो ऐसी हो गई, अगर मैं वन को ऑब्जर्वर मानूं, तो ऑब्जर्वर हमेशा खुद को रेस्ट पे मानता है भाई, तो अगर टू की रिलेटिव मोशन इस तरफ हो गई, दिस इज वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, ये अगर इस तरफ हो गई तो टू और वन की टक्कर हो जाएगी. बोलो समझ में आया क्या? वही किया, किसी एक को रेस्ट पे कर दिया तो ऐसा, या फिर मान लो मैं टू को रेस्ट पे मान लू, टू को रेस्ट पे मान लू, रेस्ट पे मतलब ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट पे मानता है, तो टू को दिखेगा कि अगर वन चलता हुआ आया और इससे टकरा गया, मतलब वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू इस तरफ हो गया, तो टक्कर होगी, अदरवाइज टक्कर नहीं होगी. ये बात समझ आई क्या आपको? कि टक्कर तभी होगी जब एक पार्टिकल को दिखेगा कि दूसरा पार्टिकल उससे आया और टकरा गया, तो टक्कर होगी, अदरवाइज टक्कर नहीं होगी. इसे यहां पे आपने कहा कि टक्कर नहीं होगी, देयर विल बी नो कोलिजन, है ना? तो कोलिजन तभी होगा जब एक पार्टिकल को दिखेगा कि दूसरा पार्टिकल सीधा उसको ज्वाइन करने वाली लाइन पे उसके अलोंग आ रहा है, तभी टक्कर होगी, अदरवाइज टक्कर नहीं होगी. तो मैं अब इसको क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना. तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन,
इसके अलावा जो यूनिट वेक्टर आएगा, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर शुड बी इक्वल टू माइनस रिलेटिव पोजीशन का यूनिट वेक्टर, ऐसा होना चाहिए। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, ये वाला वेक्टर। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। तो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर और रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स मतलब उनकी डायरेक्शंस, ये एंटी पैरेलल होनी चाहिए। दिस इज द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर, उसका ऑपोजिट और रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? ये जो मैथमेटिकल टर्म मैंने लिखी है, क्या तुम्हें इसका कंसेप्ट समझ में आई? क्या लिखा हुआ है कि पार्टिकल टू के रिस्पेक्ट में जो वन के वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, वो टू का जो वन के रिस्पेक्ट में आर वेक्टर होगा उसके ऑपोजिट होनी चाहिए। जो यहां मैंने ड्रॉ किया है उसी को मैंने यहाँ इस फॉर्म में लिखा है। और अगर मैं इसको अब यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले से लिख दूं, तो वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन को आप क्या लिखते हो? यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो देखो मैं इसको क्या लिखूंगा, तो वेलोसिटी ऑफ टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वन, ये वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। velocity of 2 minus velocity of 1 equal to minus position of 2 minus position of 1 upon mod position of 2 minus position. Yeah, this is the condition for collision. This is the condition for collision. बकवास है ये। ये तो मैंने यूनिट वेक्टर लिखना सिखाया है कि यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, ये काम की बात थोड़ी ना है। काम की बात तो है कि इसको ये समझ आ गया कि इस केस में टक्कर होती है जब v रिलेटिव r रिलेटिव के उल्टा होता है, मतलब जब v रिलेटिव वेक्टर r रिलेटिव के एंटी पैरेलल होता है। यही तो लिखा हुआ है डायरेक्शन में, और बस उसको मैंने ऐसा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। दिस इज द मीनिंग। पता नहीं लोग ऐसा लिख देते हैं, बच्चों को समझ ही नहीं आता है क्या लिखा हुआ। इसको मत लिखो ना, ये तो यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका है। दिस इज वी टू वन वेक्टर को क्या लिखते हैं, वी टू माइनस वी वन, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, v2 minus v1 upon उसका mod, r21 वेक्टर क्या लिखेंगे, r2 minus r1, तो यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, उसका mod. This is the direction of relative velocity and this is the direction of relative position. अगर ये दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट हुई, मतलब रिलेटिव पोजिशन ये है तो रिलेटिव वेलोसिटी ये, रिलेटिव पोजिशन ये है तो रिलेटिव वेलोसिटी, तब तो टक्कर होगी, अदरवाइज टक्कर नहीं होगी। ठीक है, आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं इस और आगे सीखेंगे। थैंक यू, जल्दी से इसको नोट कीजिए।